श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और भगवान विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं, उन भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परम परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थतः वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है किंतु अज्ञान वश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा राजा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर अर्थात प्रकृति से भी पर परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित हैं, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन छह विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसीलिए ही विद्वान जिनको वासुदेव कहते हैं वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हय गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है, वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इनके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित हैं। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उनके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उनका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिन्हें पंडित जन ही देख पाते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संगार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सद सद्रूप अर्थात कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसको कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमय अजर निश्चल शब्द स्पर्श आदि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में ना दिन था ना रात्रि थी, ना आकाश था ना पृथ्वी थी, ना अंधकार था ना प्रकाश था और ना इनके अतिरिक्त कुछ और ही था।
वस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, भगवान विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उन्हीं भगवान विष्णु के जिन अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और व्युक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष की प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील ना होने पर भी गंध अपनी सनिधि मात्र से ही मन को शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सनिधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं, तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे भगवान विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मा आदि जीव रूप तथा महत्त्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यवस्था रूप प्रधान जब भगवान विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्त्व सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महत्त्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्त्व से ही वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भूत आदि तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुनि, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्त्व व्याप्त है, वैसे ही महत्त्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा मय तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल हुआ, रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा मय तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसीलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत घोर अथवा मूढ़ नहीं है,
अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु अर्थात गुदा, उपस्थ अर्थात लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरो उत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि पांच गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धि, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप भगवान विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार है। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति भगवान विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्भ अर्थात गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु अर्थात गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि के सहित समुद्र ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्त्व से घिरा हुआ है और इन सबके सहित वह महत्त्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका हुआ रहता है, वैसे ही यह अंड इन सात प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल प्राकर्मी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंग्रहक लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतर आत्मा है,
इसीलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित सर्गाधिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋतविजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी प्रकार परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेणाई प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संग्रहित होते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।